हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमपीडीएस अकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग करेंगे एमबीए पब्लिकेशन का सॉल्यूशन आगे, ठीक है। इसका पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल द एमपीडीएस अकेडमी पे आपको मिलता है लेसन वाइज करके, ठीक है, और फिर इसका सॉल्यूशन मिलता है। तो आज हम लोग कौन सा सेट करेंगे, एमबीए पब्लिकेशन से एसएससी सीजीएल 2018 का सेट नंबर 18 जो है आज हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप सभी ने खुद से सबसे पहले इस लेसन को बनाया होगा, क्योंकि अगर आप पहले खुद से बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा समझने में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो आपका आइटम है, ठीक है, आइटम है। आइटम क्या है, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। इसका मतलब हो गया कि आपका आपके शब्द से ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपका काम, ठीक है। यानी कि आप क्या बोलते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप क्या काम कर रहे हैं, मतलब शब्दों से ज़्यादा जो है आपके काम को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। व्हाट यू डू इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट यू से, यानी कि आप जो कहते हैं उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप क्या करते हैं, ठीक है। एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, ये हो गया क्वेश्चन नंबर वन का राइट आंसर बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू है आपका एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। एक सेंटेंस है, ये पैसिव वॉइस में बना हुआ है, ठीक है, अब इसे एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। द क्रॉप वॉज एडवर्सली अफेक्टेड बाई द इनएडिक्वेट रेनफॉल। यहाँ पर देखिए वाज का यूज हुआ है, ठीक है, तो वाज का यूज हुआ है, इट मीन्स कि हमारा सेंटेंस पास्ट इनडिफिनिट में है, क्योंकि जब हम पास्ट इनडिफिनिट टेंस में जब पैसिव वॉइस को चेंज करते हैं तो वहाँ पे यूज होता है वाज या वेयर का, ठीक है। तो यहाँ पे पैसिव चेंज्ड है, हमें एक्टिव में चेंज करना है। तो सेंटेंस हमें किस में बनाना होगा, सेंटेंस बनाना होगा हमें पास्ट में। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, द इनएडिक्वेट रेनफॉल एडवर्सली अफेक्टेड द क्रॉप, यानी कि ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो गया। अगर आपको वॉइस के कोई भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम होता है तो वॉइस का हमारा एक वीडियो बना हुआ है, दो वीडियो लगभग एक घंटे का है, अगर आप उसे देख लेंगे तो हर प्रकार का वॉइस जो है आपको बन जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री, एंटोनिम्स इसमें बताना है। क्वेश्चन नंबर थ्री में आपको एंटोनिम्स बताना है किसका, पार्डन, PARDON। पार्डन मतलब होता है क्षमा करना, किसी को क्षमा करना। अब इसका एंटोनिम्स आपको बताना है, तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी पनिश। पनिश मतलब सजा देना। एक तरफ जो है आप किसी को क्षमा करते हैं और दूसरी तरफ जो है आप किसी को सजा देते हैं, ठीक है, यानी कि इसके विपरीत हो गया। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है हमारा ऑप्शन बी हो गया। क्वेश्चन नंबर फोर, देखिए क्वेश्चन नंबर फोर है फिर से PQRS। आप लोगों ने कल और परसों दोनों के वीडियोस में जो है PQRS पे कोई अभी तक कमेंट नहीं किया है, तो हम इस पर अभी कोई कुछ नहीं बताएंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना इंटरेस्टेड हैं, और हमें लग रहा है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हैं। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं नहीं देख रहे हैं रेगुलर, तो जब तक आप कमेंट नहीं करिएगा हम PQRS पे आगे नहीं बढ़ेंगे। इसका राइट आंसर यहाँ पे डी है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव पे। जब आप कमेंट करेंगे तब हम बताना इसको शुरू करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। यहाँ पर देखिए आपको OWS बनाना है, ठीक है। अ पर्सन हु ड्रॉज और प्रोड्यूसेस मैप्स, ऐसा व्यक्ति जो मानचित्र बनाता है उसे क्या कहा जाता है, ठीक है, तो उसे कहा जाता है कार्टोग्राफर, यानी कि ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कार्टोग्राफर यानी कि जो मानचित्र बनाता है उसे कहा जाता है कार्टोग्राफर, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। यहाँ पर फिर से देखिए आपको आ गया OWS, ठीक है, तो OWS में क्या है, अ सिलिंड्रिकल कंटेनर बर्गिंग आउट इन द मिडिल ट्रेडिशनली मेड ऑफ वुडन स्टेप्स फॉर कीपिंग ऑयल वियर एट्सेट्रा। यानी कि एक ऐसा सिलेंडर के प्रकार का बना हुआ चीज़ जिसमें जो है हम लोग ऑयल रखते हैं या फिर बियर रखते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका बैरल, ठीक है, BARREL, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो गया। क्वेश्चन नंबर सेवन,
क्वेश्चन नंबर 7 to 10 जो है, उस क्वेश्चन नंबर 7 to 11 जो है, ये आपका पैसेज है, फिल इन द ब्लैंक्स इसको करना है। एक ये पैसेज है साउथ अटलांटिक के बारे में, इसमें एक नाविक जाते हैं और वो समुद्री यात्रा करते हैं, यात्रा करते करते वो पैसिफिक ओशियन को मिलते हैं, ठीक है, और वहाँ पे एक आइसलैंड के से भी रूबरू होते हैं, ठीक है। ये पैसेज इतना ही कहता है, तो चलिए शुरू करते हैं हम यहाँ पे अपना पैसेज बनाना। देखिए पहले हम लोग सेंटेंस को पढ़ते हैं। ईगो टू कंट्रोल द साउथ अटलांटिक द ब्रिटिश नेवी हैज स्टॉक्ड एडमिरल बायरन फॉर सेटलिंग एन आइसलैंड ऑफ द साउथ अमेरिकन कोस्ट वेयर शिप्स कुड रिसप्लाई। वेयर का यहाँ पे यूज क्यों हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 में जो है वो वेयर का यूज क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि शिप्स यानी कि कहाँ पे रिसप्लाई करेंगे, ठीक है, तो कहाँ पे रिसप्लाई करेंगे, इसलिए जो है क्वेश्चन नंबर 8 में हम यूज करेंगे वेयर का, ठीक है। वेयर यानी कि ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एंड देन फाइंडिंग एन अल्टरनेटिव फिल इन द ब्लैंक्स टू द ईस्ट इंडीज। तो यहाँ पे अल्टरनेटिव रूट यानी कि आप समुद्री यात्रा कर रहे हैं, तो रूट मतलब कि जगह, पैसेज, ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे रोट, ROUTE, रोट यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। आफ्टर राउंडिंग द टिप ऑफ साउथ अमेरिका एडमिरल बायरन कन्फ्रंटेड द वर्ल्ड्स फिल इन द ब्लैंक्स बॉडी ऑफ वाटर। यहाँ पर देखिए द है, द के बाद हम कौन सा डिग्री यूज करते हैं, द के बाद हम लोग सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं, हम लोग ये सीख चुके हैं, ठीक है, तो यहाँ पर दस का जो राइट आंसर होगा वो होगा लार्जेस्ट। सुपरलेटिव डिग्री में यहाँ पे ESTE लगा हुआ रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11। द इंग्लिश पैसिफिक ओशियन आफ्टर अ मंथ ऑफ एम्प्टी ब्लू होरिजोन अ टीनी आइसलैंड फिल इन द ब्लैंक्स बायरन जॉयसली डिस्क्राइब द आइसलैंड्स ब्यूटीफुल अपीयरेंस, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अपीयरेंस के बारे में बात हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, एपियट का यूज करेंगे। तो 11 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। देखिए एक सेंटेंस है और उसमें एक पार्ट जो है वो अंडरलाइंड है, अगर वो गलत है तो उसे सुधारना है, नहीं गलत है तो नो इम्प्रूवमेंट के साथ जाना है। तो देखिए हम लोग दो दिन से ही ऐसा पैटर्न पर क्वेश्चन बना रहे हैं कि इफ़ के साथ अगर हमारा सेंटेंस शुरू होता है प्रजेंट में, तो आगे आने वाला जो दूसरा पार्ट होगा सेंटेंस का वो हमेशा फ्यूचर इनडेफिनिट में होगा, यानी कि सिंपल फ्यूचर में होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे फिर से आपको आइटम बताना है, पूल समवनस लेक, तो इसका मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना, किसी की खिंचाई करना, ठीक है। पूल समवनस लेक मतलब खिंचाई करना या फिर किसी का मजाक उड़ाना, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका जोक विथ समवन, ठीक है, जोक विथ समवन, समवन को SV में शॉर्ट लिख दिए हैं यहाँ पे। जैसे आपका क्वेश्चन क्या है, पूल समवनस लेक, ठीक है, इसका मतलब हो गया किसी का मजाक उड़ाना, किसी की घिंचाई करना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अ नंबर ऑफ इंडियन गुड्स फेस अ फिल इन द ब्लैंक्स कंपटीशन फॉर चाइनीज गुड्स इन टर्म्स ऑफ प्राइसेस एंड लुक्स। यहाँ पर एक बहुत ही प्रचंड कंपटीशन जो यहाँ पे है इंडियन और चाइनीज गुड्स के बीच में देखा जा रहा है, ठीक है, तो प्रचंड, तो प्रचंड का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, फेयर्स, FIERC, यानी कि जिसे बोलते हैं हम लोग कि तगड़ा मुकाबला मिल रहा है भारतीय चीज़ों को चाइनीज सामानों से, ठीक है, तो तगड़ा यानी कि प्रचंड, तो यहाँ पर फेयर्स यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। फिर से आपका वही है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के लिए है कि अगर कोई सेंटेंस में एरर है तो आपको उसे सही करना है, नहीं तो नो इम्प्रूवमेंट के साथ जाना है। सी रीड डैट नोवेल सिंस सी गॉट अप इन द मॉर्निंग। यहाँ पर देखिए फिर से सिंस और फॉर का यूज हुआ है, तो सिंस और फॉर का यूज हम लोग यहाँ सीख रहे हैं, दो दिन भी इधर बनाए हैं कि सिंस और फॉर का यूज कब होता है, जब हमारा सेंटेंस
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। तो यहाँ पर देखिए हम राइट आंसर जाएंगे ऑप्शन बी के साथ, ठीक है। सिंस या फॉर का यूज हुआ, यानी कि उसके पहले जो सेंटेंस होगा वो होगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तो इसलिए हमारा राइट आंसर जो है वो बी है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरना है। मेनी आइटम्स मेड ऑफ आइवरी वेयर फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम अ डीलर इन एंटीक्स बाय द कस्टम अथॉरिटीज एट द दिल्ली एयरपोर्ट। यहाँ पर देखिए जो आइवरी के बने हुए कुछ सामान थे वो एक डीलर से जफ्त किए गए हैं कस्टम अथॉरिटीज़ के द्वारा एट द दिल्ली एयरपोर्ट। तो यहाँ पर जफ्त किए गए हैं, अगर कोई सामान इलीगल तरीके से आता है तो वो जफ्त कर लिया जाता है। तो जफ्त करने का जो राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन बी कन्फिस्केटेड। कन्फिस्केटेड, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। सी लॉस्ट अ बिग ऑर्डर फ्रॉम अ नॉक सो डाउन इन केस ऑफ हर ओन केयरलेस। यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए यहाँ पे एरर है। इन केस ऑफ को रिप्लेस करिए बिकॉज ऑफ से, ये भी ऐसा भी हम लोग पैटर्न दो दिन से सीख रहे हैं। बिकॉज ऑफ मतलब कि क्योंकि, ठीक है, ये आपको समझना है। दो दिन से हम लोग बना रहे हैं, बहुत सारे पैटर्न जो हैं एग्जाम में रिपीटेड होते हैं, तो आपको ये समझना होगा, ठीक है। सेलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड इनेप्ट। एक वर्ड है इनेप्ट। इनेप्ट मतलब होता है कच्चा खिलाड़ी, यानी कि अकुशल। इनेप्ट मतलब क्या होता है? अकुशल। तो इसका जो सिनोनिम्स होगा वो कौन सा होगा? वो होगा आपका ऑप्शन डी क्लम्सी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, क्लम्सी, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड इसमें आपको बताना है। तो यहाँ पर जो रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड है वो है आपका ऑप्शन सी एक्साइट का राइट स्पेल्ड ये होता है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन सी में एरर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इन आर्टिकुलेट का जो है सही आपको सिनोनिम्स बताना है, ठीक है। तो इन आर्टिकुलेट मतलब क्या होता है? अस्पष्ट। इन आर्टिकुलेट यानी कि जो अस्पष्ट बताता है किसी चीज़ों को, ठीक है। तो अस्पष्ट इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी इनकोहेरेंट, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। इनकोहेरेंट यानी कि असंगत अस्पष्ट, यहाँ पे राइट आंसर डी हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में फिर से आपको पैसिव वॉइस चेंज करना है। तो पैसिव वॉइस हम लोग पढ़ चुके हैं, आई होप आप सभी ने इसे बना लिया होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पर जो है रॉन्गली स्पेल्ड बताना है आपको। तो इसका जो रॉन्गली स्पेल्ड है वो है आपका कंसाइंस। कंसाइंस का राइट स्पेल्ड जो होगा वो ये होगा। देखिए पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस हम बता इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम ऑलरेडी वॉइस पर जो है दो लेसन ऑलरेडी बता चुके हैं और उस पर हम लोग प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। तो जो नहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो कर सकते हैं, हमारा प्ले लिस्ट में जाके वॉइस बना हुआ है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं, सीख सकते हैं, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। सेलेक्ट द एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। एक वर्ड है क्वेश्चन नंबर 3 में एक्सेप्शनल, इसका आपको एंटोनिम्स बताना है। एक्सेप्शनल मतलब क्या होता है? असाधारण। असाधारण इसका एंटोनिम्स आपको बताना है, ठीक है। तो इसका जो एंटोनिम्स है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी अनरिमार्केबल। अनरिमार्केबल यानी कि साधारण, ठीक है। अनरिमार्केबल मतलब क्या हो गया? साधारण। एंटोनिम्स यानी कि राइट आंसर जो है यहाँ पे ऑप्शन डी हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। ग्रामेटिकल एरर आपको यहाँ पे बताना है। हम लोग कल ऐसा बनाए हैं, यहाँ पे हम डायरेक्ट जाएंगे ऑप्शन ए के साथ, ठीक है। नॉकडाउन की जगह नॉक्ड डाउन होगा क्योंकि हमें यहाँ पे अपना वर्ब लेना होता है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब लेना होता है। और सेंटेंस हमारा जो है वो पूरा पास्ट में है, इसलिए जो है यहाँ पे हमारा वर्ब भी वी2 फॉर्म में यूज्ड हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉकिंग डाउन की जगह हम क्या यूज करेंगे? नॉक्ड डाउन यूज करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। देखिए जो जितना भी ग्रामेटिकल एरर का जो क्वेश्चन आ रहा है वो जो भी हम लोग 2018 का जो प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं यहाँ पे सीजीएल का, वो सारा जो है एक ही पैटर्न पर रहेगा। तो अगर आप एक लेसन को अच्छे से अगर देख लेंगे तो फिर आगे आने वाले लेसन्स को आप और अच्छे से बना सकते हैं, ठीक है। बाकी रहा PQRS क्वेश्चन का सवाल,
तो ये जो है आप जब तक कमेंट नहीं करेंगे तब तक हम बताएंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि हमें पता चले कि आखिर कितने लोग जो हैं एक्टिव हैं, अच्छे से देख रहे हैं, समझ रहे हैं। 25 का क्वेश्चन नंबर जो है उसका राइट आंसर ए होगा, ठीक है। तो ये है एमबी पब्लिकेशन बुक SSCCGL 2018 का प्रैक्टिस सेट नंबर 18 का सॉल्यूशन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा, अब अगर आपको ये समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर भी कर दीजिए अपने स्टडी ग्रुप्स में, ताकि और लोग जो है इसे देखें, समझें, सीखें और हमारे साथ जुड़े। मिलते हैं कल क्लासेस में। थैंक यू।